नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार। श्री रविशंकर हवेलकर जी को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन का माननीय सदस्य नामित किए जाने के बाद जनपद में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सर्किट हाउस प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रविशंकर हवेलकर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय दल है जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अधिकारों से वंचित दलित पीड़ित निर्बल वर्ग के कल्याणों के लिए उनकी सरकार कार्यरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं दलित के कल्याण को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत जनपद के सभी 20 गांवों को अनुसूचित क्षेत्र के लिए चिन्हित किया गया है। उन गांवों में हमारी प्राथमिकता बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सरकार का दायित्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि उसका निर्वहन हम पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने दलित वंचित वर्गों के लोगों को इस संगठन में स्थान दिया है। साथ ही उन्होंने बोला कि बाबा साहब से जुड़े पंचतीर्थ, जिसको भाजपा के सरकार ने पवित्र स्थल बनाने का काम किया है, उन्हें पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम मोदी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान की मूल भावना के अनुसार ही दलित के कल्याण के लिए काम कर रही है। शिक्षक पार्क में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में दलित मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नव मनोनीत सदस्य का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुनील बजाज, महामंत्री संतोष शुक्ल, सत्येंद्र पांडे, अनूप अवस्थी, सीएल बघेल, रमेश बरसा, रिजवान खान, संदीप कठड़िया, नीरज रखेल, अजीत नाहर, वाजिद खान, हरिशंकर श्रीवास्तव, अरविंद खन्ना, आज नवाब, रईस बापू, सुशील शर्मा, अरुण समुद्रे, ज्ञान शंकर हवेलकर, मनोज बैसव, मोनू पंडित, शेर खान, रंजीत बारिश सिद्दीकी, दीपक कुमार, सतीश यादव, अजय यादव, मोहम्मद समी, प्रदीप कुमार, त्रिवेणी देवी, काशी राम सागर, राजू खान, अरमान खान, हरिशंकर, ब्रिजेश बाडोर, ब्रिजेश यादव, सचिन वाल्मीकि, रहमान अली सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित किया गया। उन्नाव से जयगम नदी की खास रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने आसपास की खबर व विज्ञापन देने हेतु हम दिए गए नंबर या जीमेल पर संपर्क करें। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की अधिकारीगणों के साथ परिचय बैठक थी, तो मैं देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरी माताएं बहने जितनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ध्यानपूर्वक सुने। मंच पर अलग स्थाना बनाए, जितने लोगों की चेयर है वो लोग बैठे, बाकी लोग सामने भी दिखाने स्थान लेते हैं। धन्यवाद। तो आप खासतौर से किन जिलों पे अभी जाएंगे? देखिए, हमारा फोकस जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर है, जैसे अपना उन्नाव है, अपना कानपुर देहात है, हमीरपुर है, महोबा है, ये जो कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र मुख्यमंत्री में है। तो पूर्वा के हमने धूमकेतु गांव की स्थिति देखी है, वहाँ पर भी हमने जो हालात देखे हैं वो ठीक नहीं है। अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है और काम दिया गया है, तो समाज के लिए काम कर रहा हूँ, जाति के लिए काम करना है और अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया हुआ है, आंकड़े मंगाए हुए हैं कि अब तक कितना। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, साथ ही Twitter, Instagram और Facebook पर फॉलो करें।